मेरा चैनल है रफिया कुकिंग हाउस। आज मैं बना रही हूँ झटपट बनने वाली पिज़्ज़ा रोटी। पिज़्ज़ा की तरह मीठी हम रोटी बना रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी जो 10 मिनट में बनने वाली है, मैं वो बना दी रेसिपी। उसमें ऐड होते हैं 2 एग, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से फेंट लिया। इसमें मैं डालूँगी शुगर 1/2 कप। अब मैं ज़्यादा मीठा खाती इसलिए मैंने 1/2 कप लिया, आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं क्योंकि इसकी 2 रोटियां बनेंगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है मैंने अच्छे से। आज मैं साथ साथ ही बताते जा रही हूँ, मैंने कहा मैं बाद में क्या बताना है। अब मैं डालूँगी 1/2 कप से तकरीबन 1/4 कप मैंने डाला है आटे का, इसको भी मिक्स करूँगी। तो जी व्यूअर्स, इसको मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं उसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा सा दूध, एक कप मैंने दूध डाल दिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच। जी आटा भी और कॉर्नफ्लोर भी मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। 1/2 चम्मच मैंने इसको इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मेरे मुँह से निकल गया, बेकिंग सोडा नहीं आपने डालना, बेकिंग पाउडर डालना है और अच्छे से इसको 5 मिनट तक आपने ब्लेंड करना है। 2 चम्मच ऑयल डाल के, ठीक है, इसको अच्छे से ब्लेंड करना है हमने। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि ये कलर जो डालेंगे ना बहुत ही अच्छा लगेगा। एक चुटकी के करीब हमने डाला इसमें प्यारा सा कलर। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि बेकिंग पाउडर की वजह से ये हमारा डो अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। अब 5 मिनट इसको मैं कवर करके रखती हूँ। इसकी देखें इस तरह की सूरत हाल होनी चाहिए ताकि ये ना थिक हो, चमचे के साथ ऐसे हो, थिक हो ना, ज़्यादा पानी की तरह पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अभी बस हमने तवा गर्म कर लिया, हमने हल्की सी आंच की है जैसे चावलों को दम लगाते हैं, उस तरह मैंने ये देखें 1 चम्मच इसके ऊपर ऑयल डाला है। इसको हमने गर्म कर लिया, अच्छे से गर्म हो गया है, आँच को मैंने हल्की कर लिया। तो अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ये जो मैंने अमेजा तैयार किया है। 2 रोटी बनाएंगे तकरीबन इसकी, उस हिसाब से हमने इसके ऊपर उतना डालना है और फैला लेना है हल्के से इस तरह। तो भी बस देखें हमने मैदा जो है ना अपने तरीके से हल्के से फैला लिया। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़े से तिल। तो अब इसको मैं कवर करके जस्ट 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। बस 3 मिनट से 5 मिनट तक आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। तो अब मैं इसको दूसरी साइड से पका लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब सिर्फ हम इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखें दूसरी तरफ से भी हमारी रोटी पक गई है, हम इसको अब उतार लेंगे माशाल्लाह से। तो अभी बस अब हम दूसरी रोटी आपको बना के दिखाते हैं। जी दूसरी रोटी इसके ऊपर मैं लगाऊंगी दूसरी आइटम। देखें ऑयल मैंने लगा लिया, अब इसको मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस मकदार में डालूंगी। हमने कहा था कि हमारी 2 रोटियां बनेंगी, माशाल्लाह से हमारी 3 रोटियां बन जाएंगी। तो इसके ऊपर हम डालेंगे, मीठी है ना तो इसलिए हम इसके ऊपर वही चीज़ें डालेंगे जो मीठे में यूज़ होती हैं। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं सौंफ, सौंफ के चंद दाने मैं इसके ऊपर डालूंगी। तो इसको भी मैं दूसरी रोटी की तरह कवर कर लूँगी पकने तक। बस हमारी दूसरी रोटी भी तैयार है माशाल्लाह से, हम इसको फोल्ड करते हैं दूसरी तरफ से। ये सौंफ वाला पराठा है माशाल्लाह। अब इसको भी सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। जी बस हमारी दूसरी रोटी भी तैयार है, अब हम तीसरी बनाएंगे, इसको भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। हल्का सा हमने ऑयल लगाया, उसके ऊपर हमने तो आप देखें कि पहले मैंने लगाया तिल, फिर मैंने दूसरी पे लगाए हैं सौंफ, और अब मैं इसके ऊपर तीसरी के ऊपर लगा रही हूँ न्यू आइटम। कोई भी किस्म के आप जो आपको अच्छे लगते हैं, आपको अच्छा फ्लेवर पसंद हो, आप वो इसके ऊपर चूरा करके ना तो
बिस्किट लगा सकते हैं। ये मैंने लिए हैं अपने पसंद के बिस्किट, गाला बिस्किट, ये मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर। चले इसको भी मैं 2 से 5 मिनट तकरीबन कुक करूँगी एक तरफ से। तो जी व्यूअर्स, ये हमारी रोटियाँ तैयार हैं, मतलब कि ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मतलब मज़े की है। ये देखें माशाल्लाह से, जैसे हम पिज़्ज़े की डो बनाते हैं, हमने इसको ज़रा पतला करना है तो उसमें डाल के हमने सारी चीज़ें अपनी पसंद की। एक के मैंने ऊपर तिल लगाए हैं, इस पे को मैंने सौंफ लगाई है, इसके ऊपर मैंने बिस्किट का चूरा लगाया। तो नाज़रीन बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही सॉफ्ट। तो आप ऐसे ही ट्राई करें मेरी रेसिपी को और शेयर करें और खा के मुझे ज़रूर बताइए बना के। तो जी व्यूअर्स, मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ये मेरे रेसिपी को आप ट्राई करें कैसी मतलब बनी है, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं आपको नमकीन रोटियां बनाने का तरीका अंत में बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं अगली रेसिपी तक।